अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा वालेकुम सवाल है सलाम। कि अगर हमारे रिलेटिव्स में ऐसे रिलेटिव्स है जो हिजाब नहीं पहनते, या फिर बहुत क्लोज रिलेटिव्स है हिजाब नहीं पहनते, तो क्या वो काफिर हो गए? उन्हें सलाम देना जायज़ है या नहीं? नहीं, कोई हिजाब ना पहनने से काफिर नहीं होता है। बिल्कुल मैंने ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें, तकफीरी ये फितना है। कोई हिजाब नहीं पहनते हैं तो बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन उसे दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होंगे। आप उनसे ताल्लुकात रखेंगे, सलाम दुआ करेंगे, और जो भी ताल्लुकात हैं वो रखेंगे, और ऐसे लोगों के तो और भी ज्यादा करीब रहना चाहिए ताकि आप उनको समझा सकें और उनको राय रास्त पर ला सकें। वो काफिर नहीं है, बिल्कुल सारे सारे मामला आप उनसे करेंगे। अगर वो आयत को इनकार कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि पहनना जरूरी सिर्फ नहीं है, और ये देखिए, ये दूसरा बोल रहे मसला हैं कि हो गया, दीन आयत को बैकवर्ड है, इनकार। ये कब आप के दो टाइम सवाल, के लिए? देखिए आप कई चीजों को मिक्सअप कर रही हैं। एक ये होता है कि कोई नहीं कर रहा है, नहीं करना ये दूसरी चीज है। कोई आदमी कुरान की किसी आयत का इनकार कर रहा है, ये दूसरी चीज है। कोई आदमी कुरान की किसी आयत को जमहूर जो सलफ सालहीन है उनकी फहम के बरखिलाफ समझ रहा है, ये तीसरी चीज है। और इन तीनों जी का हुक्म अलग अलग है। अगर कोई कुरान की किसी एक भी आयत का इनकार कर दे, एक कलमे का इनकार कर दे, तो काफिर हो जाएगा। और जी लेकिन अगर कोई कुरान को समझने में गलती कर रहा है, तावील कर रहा है, इज्तिहाद में गलती कर रहा है, या किसी का मुकल्लिद है, उसकी बुनियाद पर कह रहा है नहीं कुरान की ये तफसीर नहीं, कुरान की ये तफसीर है, वो उसकी तफसीर का इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन जो जमहूर सलफ ने उसकी तफसीर की है उसके अलावा वो किसी और कौल को ले रहा है, तो उसकी बुनियाद पर हम उसकी तकफीर नहीं करेंगे, हम उसको मुअव्वल कहेंगे, वो तावील कर रहा है। और वो उसकी समझ जो है गलत है, उसकी समझ गलत है, वो इनकार नहीं कर रहा है। इनकार तो ये है कि वो कहते नहीं, मैं इस हुक्म को मानता ही नहीं, कुरान के इस हुक्म को नहीं मानता। अगर कोई ऐसा कहता है तब तो काफिर हो जाएगा, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि कुरान और सुन्नत के अंदर जो दलीलें आप लोग दे रहे हो हिजाब के लिए, वो जो है मैं उन दलीलों को अपने हिसाब से दूसरी तरह समझता हूँ, उसका ये माना है, और हकीकत में वो दूसरी तरह समझ रहा है, वो इज्तिहाद कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो अपनी ख्वाहिशात नफ्स की बुनियाद पर ऐसे उलमा के अकवाल को ले रहा है जो उसके ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक हो। देखिए ये मसला बहुत तफसील तलब है। एक ये होता है कि मुझे फला आलिम के बात पे इत्मीनान हो रहा है, वो जो तशरीह कर रहे हैं मसले की उस पे मुझे इत्मीनान है, इसलिए मैं उसको ले रहा हूँ। और ये होता है कि मैं उसको इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो मेरी एक ख्वाहिशात के मुताबिक है, तो दोनों में फर्क है। तो अगर कोई तावील कर रहा है, ख्वाहिशात नफ्स के पीछे नहीं दौड़ रहा है, वो उसी को हक समझ रहा है, तो वहां पे हम तकफीर नहीं कहेंगे, अलबत्ता उस पर रद्द करेंगे, ये कहेंगे कि गलत है, और उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप गलती पर हैं, उसकी तकफीर नहीं करेंगे, उसको काफिर नहीं समझेंगे। और अगर नफ्स को फॉलो कर रहे हैं वो अपनी, तो अगर नफ्स को फॉलो करते हुए कोई इनकार कर रहा है, देखिए तकफीर के मसले में तो आप दाखिल मत होइएगा, आप कहिए वो गलत कर रहा है, ये आपका काम नहीं है किसी को कह देना कि तुम जो है दायरे इस्लाम से खारिज हो गए। आप कहिए कि नफ्स की अल जो बयान बल्ला कर के रहा तालुक है, से, अल बर्रा के तालुक से पूछ रही। अलवला वल बरा का ये मतलब थोड़ी है कि आम लोग तकफीर करते थे, वो मतलब नहीं है। अलवला वल बरा का मफहूम बहुत वसी है। आप कोई गलत काम कर रहे हैं, मैं आपकी उस गलती से बराअत का इजहार करूं कि मैं इस गलती से राजी नहीं हूं, ये बरा है। वला ये है कि कोई अच्छा आदमी है, मैं उसका साथ दूं, मैं उससे राजी रहूं, ये वला है। तो बरा का ये मतलब नहीं है कि आप तकफीर कर दो, तकफीर ये दूसरा मसला है। बरा के अंदर तकफीर भी आता है, लेकिन दोनों मसले एक नहीं है। जरूरी नहीं है कि बरा के लिए आपको तकफीर, जैसे कोई चोर आदमी है, कोई शराबी आदमी है, तो जो शराबी आदमी है मैं इस पर इनकार करूंगा, नकीर करूंगा, उसको गलत कहूंगा, उसको सही नहीं मानूंगा, उससे अपनी बरात का इजहार करूंगा, ये बरात है, इसको बरा कहते हैं। अब बरा का मतलब लेकिन थोड़ी कि जब शराबी को मैं काफिर कह दूं तभी बरा हुआ, बरा का मतलब मैं उसके उस गुनाह से बरात का इजहार करता हूं, लेकिन उसकी तकफीर ये शख्सियत से उससे नफरत तो मानूंगा। नहीं करते हैं ना शेख? शेख उसकी शख्सियत से नफरत तो नहीं करते हैं ना? देखिए नफरत बुरा आदमी जो होता है, ये बात कई सारे लोग कहते हैं कि बुराई नफरत बुराई से करो, बुराई करने वाले से ना करो, ये गलत जी है। जी नफरत जी
बुराई करने वाले से भी नफरत होनी चाहिए, लेकिन उस जी नफरत का ये मतलब नहीं है कि आप उसकी तकफीर कर दो या उसके साथ जी ज्यादती करो। आपको जी इंसाफ करना है, चाहे कोई मुशरिक हो, काफिर हो, दुश्मन हो, इंसाफ करना है आपको, ये इस्लाम का हुक्म है। लेकिन जी नफरत आपको शिर्क से भी करना है, अहले शिर्क से भी नफरत आपको, बुराई से भी और बुराई वाले से भी। लेकिन उस नफरत का ये कोई हरगिज मतलब ना समझे कि उसको उसके ऊपर जुल्म करना है, उसके साथ भी इंसाफ करना है, लेकिन उससे नफरत तो होनी चाहिए भाई। अगर बुराई करने वाले के लिए आपके दिल में नफरत नहीं होगी, आप बुराई से दूर कैसे रहोगे? ठीक, अगर हम जी उन्हें समझाते हैं कि हिजाब किस तरह कंपलसरी है, आयत से, एविडेंस से, एक्सपीरियंस से, किस मतलब वो कितना बेनिफिशियल है, कितना फायदेमंद है, समझाने के बाद भी अगर वो इनकार करते या फिर बोलते कि नहीं मजदीन जो है वो तब के टाइम के लिए था, अभी के टाइम के लिए जो है इसकी जरूरत नहीं है, और एक आयत है कुरान की, अगर वो आप आयत का इनकार करे, जो लोग आयत का इनकार करें, मजाक करें, तो उनके साथ फिर दोबारा ना बैठो, वरना तुम उनकी उन्हीं की तरह हो जाओगे। तो फिर देखिए उसके बावजूद भी क्या सड़क ऐसे लोग के साथ नहीं बैठते थे? आपका सवाल क्लियर है, आपका सवाल क्लियर है। आप अब तक जो है 5-6 सवाल कर चुकी हैं और सारे सवालों को आपने मिक्सअप किया हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज हैं। कोई आदमी कहता है कि ये शरीयत सिर्फ एक जमाने के लिए था, आज के लिए रिलेवेंट नहीं है, आज के लिए काबिल अमल नहीं है, तो गोया वो कुरान का इनकार कर रहा है, क्योंकि कुरान में कुरान ये हमेशा के लिए है। कुरान में जगह जगह इस बात की दलील मिलती है कि ये शरीयत कयामत तक के लिए है। अब वो कह रहा है खास जमाने के लिए था, तो गोया की शरीयत के इस हुक्म का इनकार कर रहा है, आज के लिए नहीं शरीयत, तो ये तो कुफरिया कलिमा है। तो ये दूसरा मसला है, इसको आपने पहले नहीं बताया। ये मसाइल को आप हलत मलत मत कीजिए। अगर कोई शरीयत के किसी हुक्म का इनकार कर रहा है तो वो काफिर है, लेकिन ये हम जनरल बात कर रहे हैं, हम किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। हम जनरल हुक्म ये है कि ऐसा कहने वाला काफिर है, लेकिन किसी खास शख्स की तकफीर करने के लिए फिर दूसरे शरूत हैं, जो बार बार इस प्रोग्राम में ये बात आ चुकी है कि किसी खास आदमी की तकफीर करने के लिए बहुत सख्त शरूत और जवाबित हैं, और वो उलमा का ही काम है, आम आदमी उसमें ना पड़े। तो आप इस बात को कुफरिया बात समझिए, लेकिन आप उसको उसकी तकदीर मत कीजिए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें मेरे ख्याल से किसी आलिम का कोई इख्तलाफ नहीं है कि जो शरीयत के किसी हुक्म का इनकार करे, यहां तक कि सुनन का भी इनकार कर दे, तो वो काफिर है। लेकिन दो ये दोनों अलग बातें हैं, जनरल बात अलग है, किसी खास इंसान की तकदीर करना ये अलग बात है। ठीक तो जी आप उससे बरात का इजहार करें और उस अमल को, उस कौल को कुफरिया अमल समझे तो जो बात कह रहा है, लेकिन आप उसकी तकफीर ना करें। सलाम सलाम करना उन्हें जायज है, तो सलाम तो मोमिनों के लिए ही होती है। तो क्या आपने उनको, सुनिए सुनिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने उनको काफिर समझ लिया? कुफर कहे तो मैंने अभी जो बातें की उसकी रोशनी में आपने क्या समझा, क्या वो आदमी काफिर है या वो आदमी, वो औरत? हम क्या जनरल बात नहीं कर रहे, इस वक्त हम मुमिन नहीं कह सकते, मुनाफिक नहीं कह सकते, तो क्या क्या होते हैं वो? बहन एफएसजी, बहन आपकी आवाज थोड़ा सी ब्रेक हो रही है, 1-to-1 बात करें, आप अपनी बात रखें, एक एक सवाल रखें, आपके पूरे सवाल का जवाब इंशाल्लाह हम देंगे। देखिए मैंने आपको बहुत क्लियर बताया, शेख आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, आप उस सवाल का जवाब दें, शेख आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उस सवाल का जवाब देंगे। शेख मुझे उन्हें, मुझे इस्लाम के फॉलो करना है, तो उनके साथ किस तरह से सलफ जैसे करते थे वैसे, तो उनके साथ किस तरह से सुलूक किया जाए? आप सुन नहीं रहे, जो बातें मैं कह रहा हूँ ऐसे लग रहा है उसको आप गौर से सुन ही नहीं रहे। आप पहले मेरी बात को सुनिए, पहला पॉइंट आप याद कीजिए अच्छे से, मेरे साथ गौर से सुनिए, उसको याद कीजिए। ये कहना कि फला काम करने वाला काफिर है, ये एक जनरल बात है, ये हम हमेशा कहेंगे कि फला काम करने वाला काफिर है, जनरल बात, ठीक है। दूसरा ये है कि फला इंसान जैद, खालिद, अम्र, बकर, फला इंसान ये काम कर रहा है, इसकी वजह से वो काफिर हो गया, ये दूसरी बात है। ये जो दूसरी बात है, इसके लिए कुछ शुरूत और जवाबित हैं, जैसे उनमें से एक शर्त ये है कि वो जो आदमी है
वो तावील और इज्तिहाद की बुनियाद पर ऐसा कह रहा है, ऐसा नहीं है कि वो इनकार करने के लिए कह रहा है, वो तावील कर रहा है, या वो आदमी किसी का मुकल्लिद है उसकी बुनियाद पर कह रहा है, या वो आदमी गलती पर है, ऐसा नहीं है कि उसका अकीदा है। तो ये सारे शुरूत अगर होने पाए जाएंगे तो ऐसी सूरत में उलमा, जो मोतबर उलमा है, वो उस पर हुक्म सादिर करेंगे कि वो काफी हुआ कि नहीं। अब आप जब बात कर रही हैं, जाहिर है आप किसी खास औरत या किसी खास आदमी की बात कर रही हैं, उसके बारे में जब मैंने आपको बता दिया कि पार्टिकुलर उस आदमी को आप काफिर नहीं कहेंगी, आपका काम नहीं है, उसके बाद आप ये कैसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं उससे सलाम करूं कि नहीं। सलाम तो हर मुसलमान से करना है, ये सवाल बनता ही नहीं है ना भाई। आपको जो हमने पहला मुकदमा बताया उस पर नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि अभी हमने उसको काफिर नहीं कहा, तो जब हमने काफिर नहीं कहा तो हम सलाम करेंगे। जी बहन, अभी आप बताएं, आपका एक सवाल लें। जी लेकिन शेख, ईमान, ईमान का हमारे आमाल जो है वो भी ईमान का हिस्सा है, तो अगर कोई कह, ये कैसे बोलते हैं कि अगर वो अमल, अमल जो कर रहा है वो उसके ईमान से रिलेटेड नहीं है, जबकि ईमान में आमाल भी आते हैं। ये किसने कहा आपसे, बताइए? क्या हम ये जो पूरी गुफ्तगू अभी हमने किया है, क्या हमने ये बात कहा या किसी और ने कहा कि उसका अमल ईमान का हिस्सा नहीं है? क्या किसी ने कहा ऐसा? हम कह रहे हैं उसके उसके अमल उसके ईमान का हिस्सा, हम तकफीर की नफी कर रहे हैं, हम तकफीर को निगलेक्ट कर रहे हैं कि हम उस पार्टिकुलर उस आदमी की तकफीर नहीं करेंगे जब तक सुरूत नहीं पाए जाएंगे। उस अमल को तो हम कुफ्रिया मान ही रहे हैं। जी बहन, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, हाँ, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। जैसे हमारे मुल्क में कानून है कि जो आदमी चोरी करेगा उसकी ये सजा है, ठीक है? अब किसी आदमी ने चोरी किया, अब जब तक चोरी करना उसका सबूतों के साथ साबित नहीं हो जाएगा, क्या वो जो कानून में लिखा है क्या उसको हम उसके ऊपर फिट करेंगे उस कानून को? जनरल हुक्म तो हमने यही कहा कि जो आदमी चोरी करेगा उसकी सजा ये है, ये जनरल बात है। अब फला अगर जैद पर इल्जाम है चोरी का, अब जब तक सारे सबूत के साथ हम ये साबित नहीं कर दें कि हाँ चोरी इसी ने किया है, तब तक क्या हम उस पर वो जो आम हुक्म था वो लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? तो इसी तरह से तकफीर का मसला है, तकफीर करने के लिए कुछ शुरूत है, तो किसी खास आम हालात में तो हम कहेंगे कि ये अमल कुफ्रिया अमल है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये अमल जो इसने किया है वो सारे शुरूत पाए जा रहे हैं जिसकी बुनियाद पर हमें तकफीर करनी है? तो अमल तो उसका उसके ईमान का हिस्सा है, इससे कौन इनकार कर रहा है? ये बात एक बात और सुनिए, एक और अहम बात, अमल ईमान का हिस्सा है तो जो ये अमल होता है, कुछ अमल ऐसे होते हैं जो आपको दायरे इस्लाम से खारिज कर देते हैं, आप काफिर हो जाते हैं, कुछ अमल ऐसे होते हैं कि आप उससे बहुत बड़े गुनहगार होंगे लेकिन इस्लाम से खारिज नहीं होंगे। तो अमल तो दोनों जो है अमल ईमान का हिस्सा है, लेकिन क्या दोनों में फर्क हुआ कि नहीं? एक शराबी है, हम उसको कह रहे हैं कि मुसलमान है लेकिन काफिर जो है ये कबीरा का इर्तिकाब कर रहा है, गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर रहा है लेकिन ये मुसलमान है, तो क्या वो कामिलुल ईमान है? उसका ईमान कामिल है? नहीं। जब वो शराब पी रहा है, गुनाह कर रहा है, तो उसका ईमान उसके गुनाह के बकदर उसके ईमान में कमी आ जाएगी। और कोई आदमी शिर्क कर रहा है, शिर्क अकबर कर रहा है, तो उस आदमी का ईमान भी मुकम्मल नहीं है, बल्कि वो आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा उससे। तो जो दोनों अमल है, दोनों अमल ईमान के मुनाफी है, लेकिन क्या दोनों एक जैसा है? नहीं। तो अमल ईमान का हिस्सा है, इससे अहले सुन्नत वल जमा इनकार नहीं करते। तो ये आपके सवाल का हिस्सा नहीं है, वो तो हम खुद कह रहे हैं ईमान का हिस्सा है। हम जो नफी कर रहे हैं, जिस बात को मना कर रहे हैं, जिस बात से आपको, वो ये कि तकफीर मुअय्यन के लिए जब शुरूत पाए जाएंगे तब उसकी तकफीर की जाएगी, और ये उलमा मोतबर उलमा का काम है, ये किसी आम आदमी का काम नहीं है कि किसी को कोई गुनाह करता देख करके उस पर हुक्म लगा दे कि तुम काफिर हो गए।
हाँ, वो जो अमल कर रहा है उसके अमल से हम नफरत करेंगे, उस आदमी को समझाएंगे, उसके लिए कराहत करेंगे, लेकिन हम उसको इस्लाम से खारिज करने का हुक्म सादिर नहीं करेंगे ऐसे ही। लेकिन अगर वो आयत का मजाक करते हैं तो फिर उनके साथ दोबारा नहीं बैठना है, अब फिर ये ये दूसरा कुरान सवाल की आपका है। भाई मजाक कर आयत। रहा है तो काफिर है, नहीं बैठेंगे, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। अगर वो आयत का मजाक कर रहा है, आप देखिए, आप एक आम इंसान हैं, आप तकफीर में मत जाइए, आप उस आदमी को छोड़ दीजिए, उसके साथ मत बैठिए। शेख साजिद फौजान की वीडियो मैं देख रही थी तो वो कितने स्ट्रिक्ट। देखिए मैं बताऊं बहन, ये बरदर्स ने जो फितना फैलाया है, इनके जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारी बरदरिया भी हैं, ये लोग क्या है ना कि कुछ मबादियात इस्लाम के, तकफीर के, अकीदे के कुछ मबादियात बयान करते हैं, के बार उलमा से सुन लेते हैं, तो बहुत सारी लड़कियां भी वो ये समझती हैं कि अब जो है अकीदे के सारे मसाइल को हम पी चुके हैं, अब हमें ये अख्तियार है कि हम जो चाहें वो हुक्म लगाएं। ये बहुत बड़ा फितना है, आप जो सुनिए उससे इस्तेफादा कीजिए। आपको ये किसने कहा है कि आप जाके तकफीर कीजिए? क्या अलवला वल बरा के ताल्लुक से मोमिनों आप क्या को अलवला वल बरा पहचानना के ताकि जो हम स्टूडेंट अपने भी हैं हेट करें वो गुनाह। वो सारी तफसीलात आपको पता है? कुछ कुछ चीजें पता है, डिटेल में तो नहीं कुछ पता है, कुछ मुझे तो फिर कोशिश कर। आप एक आदमी जो 10 किलो नहीं उठा सकता है, वो 1 क्विंटल का बोझ क्यों उठाना चाह रहा है? आप क्योंकि मुझे देखिए, अमल करने, आप उलमा को सुनिए, लेकिन ऐसे सुनने से इब्तदाई मरहले ही में अपने आप को मुफ्तिया मत समझने लगी। वल्ला इस चीज से परहेज कीजिए। ये फितना पहले मर्दों के अंदर था, जिनको बर्दर कहा जाता है, अब बहुत सारी औरतें भी, एक देखिए इसमें ग्लैमर है, इस ग्लैमर और इस चकाचौंध में हर आदमी को, हर इंसान को, चलते फिरते इंसान को आलिम होने का खबर सवार है। भाई आलिम होना सबका हक है, लेकिन उसके कुछ स्टेप है। डॉक्टर बनना है तो पहले पढ़िए, फिर जाके ऑपरेशन कीजिए, आपको हक है, लेकिन आपने चंद दवाओं के नाम याद कर लिए, उसके बाद जो है आप इलाज शुरू कर दिया आपने, तो इससे परहेज कीजिए, आपके लिए बहुत मुजिर है। अल्लाह ताला आपसे ये नहीं पूछेगा कयामत में कि फला की तकफीर क्यों नहीं किया, बिल्कुल नहीं। आप उस काम को बुरा समझिए, और अगर आपको लगता है कि आपके समझाने से वो मानेगा तो उसको समझाइए भी, नहीं मान रहा है आप उसका, उससे दूर हो जाइए, अपने आप को दूर कर लीजिए। क्या जब तक आप तकफीर नहीं कर देंगे तब तक आपको चैन नहीं आएगा? वो क्या शेख साजिद फौजान हाफिजुल्लाह के वो वीडियो देख रही थी, वो बोल रहे थे दैट तकफीर करना जरूरी है ना, पहचानना है और तकफीर किसके करना है। लिए, किसके लिए जरूरी है मतलब सुनिए, हम हमारे आपके हाशिम भाई सबके लिए जरूरी है कि तकफीर करें? दरगाह ये जो गलत जाते हैं कहवे, आप झूठ बोल रही हालत हैं। एक एक्सक्यूज नहीं है शेख जब तुम साजिद मुसलमानों फौजान, के साथ रह रहे हो। आप ये बताइए, अरबी जबान आप समझती हैं? नहीं आप समझ। साले फौजान की बात आप कैसे समझे? वो YouTube पे इंग्लिश ट्रांसलेटेड वीडियोस है, इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है अच्छा, उनकी वीडियोस। ये जो ट्रांसलेट करते हैं ना, ये भी बर्दर ही है, बर्दर है, बर्दरिया है। आप ट्रांसलेटेड वीडियो सुनिए, साले फौजान जैसा बड़ा आलिम ये नहीं कह सकता कि हर आदमी के लिए जरूरी है कि हर आम और खास तकफीर करता फिरे। ये कितना बड़ा इल्जाम है उनके ऊपर, इस्लाम का वो एक बड़ा हिस्सा है, आलिम है, इम्पोर्टेंट गलत है। हिस्सा है, पता लगाना मुसलमान कौन है। सुनिए, वीडियोस को काट काट के थोड़ा सा हिस्सा, अब उन्होंने जैसे कहा होगा, उलमा की बात चल रही है, तकफीर का मसला चल रहा है, उन्होंने कहा कि जैसे तकफीर करना वाजिब है, अब भाई आगे पीछे तो सुनो कि वो काम किसका है। जैसे अच्छा इस्लाम, शेख, सुने शेख सुने, मुर्जिया कहते उन्हें, जो नहीं करते उन्हें मुर्जिया कहते। बस फिर वही, असल में वही जो है पैरासीटामोल दवाई का नाम मुझे मालूम हो गया, मैं अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर समझने लगा, वही मसला है। अब मुर्जिया, लफ्ज़ मुर्जिया एक फिरका है, अब उस फिरके के बारे में आपने कहीं सुन लिया, अब गोया कि आपके पास अकीदे का पूरा इल्म आ गया, अब चलिए आप फतवा दीजिए। अरे अल्लाह शेख ताला, शेख सुनिए सुनिए, शेख क्या शेख शेख एक काम करते हैं, शेख एक काम करते हैं। बहन आप अपना जो मसला रखना चाहती हैं, आपने दो चीजें रखी हैं, एक तो किसी, तीन चीजें हैं। एक तो कोई इंसान गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है, मिसाल के तौर पर आपने पर्दा हुक्म दिया कि पर्दा नहीं कर रहा है कोई, आपने ये कहा वो जानबूझ करके ख्वाहिशात नफ्स के लिए वो पर्दा नहीं कर रहे, एक आपने ये कहा। फिर उसके बाद आपने दूसरा सवाल किया कि वो उस पर्दे वाली आयत को इनकार कर रही है, कह रही है कि वो उस जमाने के लिए था
और अभी के लिए नहीं है। इस इन दोनों सवाल का आपको जवाब मिला है, आप वीडियो जाकर के वापस से आप देख सकती हैं। तीसरा आपने पूछा कि क्या इन सारे सुरूत होने के बाद क्या हमारा अलवरा अलवला का जो अकीदा पाया जाता है उसको हम यहां नाफिस करें, तो शेख ने उसका जवाब दिया कि अलवला और वरा का मतलब जो है वो आपके सामने क्लियर किया, आप वीडियो जाकर के वापस से देख सकते हैं। क्या कहा उन्होंने शेख ने कि आप उनके उस बुराई से नफरत करिए, अगर आप उनसे भी अगर आप उन्होंने शेख ने ये भी किया उनसे भी अगर आपको नफरत था तो आप उनसे छोड़ दीजिए, लेकिन आप उनको काफिर का हुक्म आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर शेख सालेह अल फौजान की आप वीडियो रेफरेंस में दे रही हैं तो आप एक काम करें, नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह फिर आएंगे, उससे पहले हम यहाँ प्राइवेट चैट में एक नंबर लिख रहे हैं, आप उस नंबर पे उस वीडियो को आप सेंड करें, उसके बाद नेक्स्ट संडे को हम लोग यहाँ इसी वक्त 8 से 9 बैठेंगे, अब वो वीडियो हम आपके सामने यहाँ प्ले करेंगे और शेख का वो वीडियो जो होगा वो असल वीडियो हम ला करके आपके सामने प्ले करेंगे और उसका मतलब इंशाल्लाह आपको समझा देंगे। बाकी आपके मसाइल के पूरे सवाल का जवाब शेख ने अभी दिया है, मैं प्राइवेट चैट में नंबर भेज रहा हूँ। आखिरी बात, एक आखिरी बात बहन बतौर नसीहत, जो आपकी बातों से मुझे लगा वो ये कि आपको बहुत जज्बा है आपके अंदर, हकीकत में ये जज्बा काबिले कदर है। आजकल के मुसलमान नौजवान लड़के और लड़कियों के अंदर अगर अपने दीन को समझने सीखने और उस पर अमल करने का इस तरह जज्बा पैदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि ये जज्बा जब हद से तजावुज करता है, ये जिन लोगों ने बिदात किया किस तहत, क्या जो लोग बिदात करते हैं क्या उस बिदात को गुनाह समझ के करते हैं? जज्बे में ही तो करते हैं दीन समझ के, गोया कि वो दीन के अंदर इतना ज्यादा उनको जज्बा है कि ऐसी ऐसी चीजें लाते हैं जो है ही नहीं। तो जज्बा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसको दीन के दायरे में और कंट्रोल में रखें। इसलिए मेरी नसीहत है कि आप उलमा को सुनिए और तकफीर जैसे खतरनाक बड़े मसाइल में इस तरह से आप गुफ्तगू ना करें। और जहां तक शेख सालेह फौजान की बात है, मैं उमूमन इस तरह की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, मैं चैलेंज करके कह सकता हूं कि इतने बड़े आलिम ऐसी बात नहीं कर सकते कि हर आमो खास पर जरूरी है कि वो तकफीर करता फिरे। ये काम आमो खास लोगों का नहीं है, ये उलमा का काम है। अगर शेख सालेह फौजान कोई लंबा सा उनका वीडियो ऑडियो है उसमें वो कह रहे हैं कि अगर इस्लामी हुकूमत है तो ऐसी जगह पर कसास नाफिज करना, हुदूद नाफिज करना वाजिब है, हुदूद नाफिज करना जरूरी है। अब उनके इस छोटे से हिस्से को कि हुदूद नाफिज करना, कसास नाफिज करना जरूरी है, इसको अगर कोई काट करके ले ले और हाशिम भाई से कहे कि चलो कसास नाफिज करो, क्योंकि शेख सालेह भाई उनकी पूरी बात तो सुनो। शेख बहुत लंबी बात हो गई है, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने बहन को प्राइवेट चैट में नंबर दिया है, 2 नंबर सेंड किया है, इन दोनों पे आप वो वीडियो पहले सेंड कर देंगे, अब मैं आपसे गुजारिश रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और वीडियो सेंड करेंगे तो हम इंशाल्लाह इस टॉपिक पे नेक्स्ट संडे को हम जरूर इस पे बात करेंगे, उसके साथ साथ में हम जी शेख, अगर आप अपने दीन की भलाई चाहती हैं तो मेरी नसीहत है कि आप मोतबर उलमा को सुनिए, इन बर्दाश्त को मत सुनिए, और अगर इन बर्दाश्त को सुनती है तो गोया कि आप अपना इलाज ऐसे डॉक्टर से करवाती है, ऑपरेशन जो चंद दवाओं के नाम जिसे मालूम है और वो सर्जन बन गया है। देखिए, और शेख अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टरेट है फिकह इस्लामी से, आप कोई मसला नहीं है मेरा, इनको बहुत सारी जगहों पर हम इंशाल्लाह इस नेक्स्ट स्ट्रीम में इस पर तफसीली बहस करेंगे इंशाल्लाह। ये नंबर मैंने उनको इसलिए दिया है कि आप उस पर वीडियो सेंड कर देंगे वो, तो हमारे लिए आसानी होगी कि वो असल वीडियो तक हमें पहुंचने के लिए, फिर हम के इस डाउट को भी क्लियर कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह डाउट क्लियर है यहाँ पे। वैसे आपने जो लास्ट में नसीहत की है सिर्फ वही एक बात रह गई, 3 बातें हमने इनके सामने रखी है, एक तो ये है कि किसी गुनहगार को गुनहगार समझे लेकिन उसके उसको काफिर का हुक्म लगाने की जिम्मेदारी नहीं है, आखिरी यही बात है कि वो सब काम उलमा का है, हमें और आपको ये करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसमें अलवला और अलवरा का हुक्म नहीं आता है, आप ये कुफर और ये सारी चीज को नहीं उसमें शामिल करें। तो ये मेरे लिए शेख की जानिब से मैं नसीहत कर रहा हूँ, और मैंने बहन आपके लिए प्राइवेट चैट में नंबर दिया है, आप उस नंबर पे वीडियो भेज दें, और दीगर लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम इंशाल्लाह उनके सवाल लेते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर। बहन आप मुझे सुन पा रहे हैं?
हेलो एफ एस जी, हेलो जी, मैंने नंबर दिया है, आप वहां पर व्हाट्सएप कर देंगे मुझे प्लीज, ईमानदारी के साथ में। हाँ, जजाकल्लाहु खैर, सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।